नमस्कार, स्वागत है वीके न्यूज एमपी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण चौहान। आज पूरे प्रदेश भर में श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही मुस्लिम समुदाय भी अपना रोजा रख रहा है, लेकिन इन सभी को लेकर प्रदेश में एक बार फिर तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। क्या है खबर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस एक तरफ जहां अपने प्रदेश मुख्यालय में आज हनुमान जयंती के मौके पर सुंदरकांड का आयोजन कर रही है, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सुपुत्र छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रोजेदारों से बीच पहुंचे थे। ये दोनों साथ बैठकर इफ्तार किया। वहां मौजूद रोजेदारों के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक विवादित बयान भी दिया। उन्होंने भाजपा का बिना नाम लिए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ बंद कर रह जाऊँ? बंद कर रह जाता हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं प्रदेश में दंगा फसाद, ये पूरे देश भर में दंगा फसाद कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इस बयान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान की निंदा की है। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए उन पर पलटवार करते हुए क्या कहा, आपको बताते हैं। एक तरफ तो वह हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं, तो दूसरी ओर रोजा इफ्तार के कार्यक्रम में जाकर दंगे फसाद की बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इस नाम पर सबको इकट्ठा करके और उनका वोट हासिल करने को रोजा इफ्तार में गए थे? यह स्तरहीन और घटिया राजनीति है। डर दिखाओ, वोट पाओ। मध्य प्रदेश इस समय शांति का टापू है, कहाँ दंगे हो रहे हैं? एमपी में यह बदनीयत है, यह कुटिलता है, यह तुष्टिकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। इसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर जमकर पलटवार किया। ये देखिए, इनके ये बनावटी हैं। हनुमान चालीसा करा रहे हैं, उधर रोज अवतार में जा रहे हैं और वहाँ जाके जहर उगल रहे हैं। आज ट्वीट देखे मैंने एक नेता के, उनके एक हनुमान जयंती का था, बाकी सब सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ा रहे थे। 5-7 ट्वीट उनने उससे कर मारे। ये जो दो मुही नीति है कांग्रेस की, जनता अब समझने लगी है और इसलिए ये सिकुड़ती चली जा रही है। लगातार जिस प्रदेश का चुनाव होता है वहाँ सफाया हो जाता है कांग्रेस का, जीरो पे आती है। इसीलिए आती है, वो सोचती है कि जनता ये बातें नहीं समझती है, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं समझती है। हुजूर, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहिए वीके न्यूज एमपी के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।